वही से डाउनफॉल शुरू हो गया. आई मीन आई कुड नॉट होल्ड द बैट प्रॉपरली. जब भी बैट पे बॉल लगता था उस लेवल के बॉलर का. तो हिंदुस्तान में हर क्रिकेटर का एक सपना होता है, वो नीली जर्सी पहनना. विनायक माने नाम के क्रिकेटर जो मुंबई खेल चुके थे, इंडिया अंडर 19 इंडिया ए खेल चुके थे, उनका भी एक सपना था कि वो एक दिन भारत के लिए खेले. और दोस्तों उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि पूरी दुनिया पलट गई. चलिए जानते हैं, मिलते हैं विनायक माने से, जो कि आज की तारीख में एक कोच है. मैं हूँ ताऊस रिजवी, द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. हम सब जानते हैं बॉम्बे क्रिकेट में आप एक जाने माने खिलाड़ी थे, एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर थे, बट कुछ ऐसा हादसा हो गया आपके साथ कि आप क्रिकेट आपका ख़त्म ही हो गया और आज आप यहाँ पर खड़े हैं एज ए कोच. तो बताइए क्या हुआ, क्या हादसा था वो और वो कहाँ हुआ? एक्चुअली इट वॉज 2000 ईयर. तो मैं जस्ट इंडिया ए का एक कैंप करके आया था नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, और बम्बई में थोड़ा सा ब्रेक था, जुलाई का महीना था. तो आई वॉज एट शिवाजी पार्क इसी जगह पे एक्चुअली. तो थोड़ी सी बोला रनिंग के बाद थोड़े से फील्डिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं, और तभी वो हादसा हो गया था. थ्रोइंग कर रहा था, पिकअप एंड थ्रोज, एंड नेट की रस्सी में अटक के मेरा हाथ टूट गया. दोनों हड्डी टूट चुकी थी कम्प्लीटली. 20 साल की उम्र में दोनों हड्डी टूट गई है. अंडर 19 खेल के आए थे, रणजी ट्रॉफी खेल चुके थे, बहुत बड़ा नाम था इनका, विनायक माने का. आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इनके ऊपर. तो ये दोनों हड्डी टूट गई शिवाजी पार्क में खेलते हुए. था तो जैसे ही स्क्वायर प्रोटेक्ट करने के लिए नेट्स लगाई है, तो उसमें से एक टाइट रोप में मेरा पैर फंस गया एट स्पीड, और मैं हाथ लेफ्ट हैंड पे लैंड हो गया था, जो कि एक राइट हैंडर का लीडिंग हैंड होता है, टॉप हैंड. तो वो इंसिडेंट होते ही जैसे मैं गिरा लेफ्ट हैंड पे, तो दोनों हड्डी मेरी इमीडिएटली टूट गई थी. विनायक भाई आप एक बात बताइए, जब हड्डी टूटी तो आपको पहला फीलिंग क्या आया, मतलब क्या एहसास था कि ये पूरा हाथ गया आपका? एक सेकंड, हाथ दिखा सकते हैं? ये हाथ तो अच्छा खासा स्टिचेज है, कितने स्टिचेज आए हैं पूरे? एक्चुअली 3 सर्जरीज हो चुकी है ओवरऑल, बाद में करेक्टिव सर्जरीज भी करनी पड़ी. लेकिन आफ्टर द फर्स्ट सर्जरी आई थिंक 14 स्क्रूज और 2 मेटल प्लेट्स थी टू सपोर्ट द फ्रैक्चर, और स्टिचेज आई वुड से समवेयर अराउंड स्टेपल्स थे, तो कैन बी काउंटलेस एक्चुअली 25-30 व्हाटएवर, बट स्कार काफ़ी बड़ा हो चुका था तभी. तो ये हादसा हुआ था 20 साल की उम्र में, और दोस्तों 20 साल बहुत ही यंग एज होती है. आपका सपना होता है, आंखों में सपना होता है शायद एक दिन भारत के लिए खेले और बहुत बड़े सुपरस्टार बने तेंदुलकर जैसे. तो आज 38 साल की उम्र में खड़े हैं एज अ कोच. तो विनायक जी, जब आपको चोट लगी या पहला जब गिरे पहली बार, तो फर्स्ट इमीडिएट फीलिंग क्या थी कि क्या हो गया था, मतलब कुछ पता चला था आपको? आई मीन एक्सीडेंट्स आर एक्सीडेंट, तभी इतना समझ में नहीं आया क्या हो गया, बट जैसे ही हाथ देखा तो कुछ अलग लगा, और बहुत पेनफुल इंजरी थी, मतलब एक्सक्रूशिएटिंग पेन था. एंड देन इमीडिएटली एक थॉट था कि बैटिंग कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि खेल ही उसी लिए रहा था कि बैटिंग अच्छी करनी है, इंडिया के लिए खेलना है. इंडिया ये खेल चुका था तब तक, और बॉम्बे के लिए भी अच्छा कर रहा था, और ऐसी एक फीलिंग थी कि विल आई बी एबल टू. एंड नेक्स्ट दिन सर्जरी हो गई, और उसके बाद भी मैं खेला 2 सीज़न क्रूज और प्लेट होने के बावजूद मेरा हाथ ठीक चला. बट और दो सीज़न के बाद ड्यूरिंग माई फर्स्ट क्लास सीज़न, जो स्क्रूज थे उन्होंने मेरा टिश्यू एक डैमेज कर दिया बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस बैटिंग, थोड़ा सा स्ट्रेंथ वर्क, जिम वर्क. तो उस डैमेज में फिर मेरा रिकवरी थोड़ा स्ट्रेंथ लॉस हो गया उसमें. ये रही बात इंजरी की, और क्या उन्होंने क्या सीखा ये बताइए, फिर इसके बाद हम जाएंगे आपके करियर पे. आप बताएंगे एग्जैक्टली किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया क्रिकेट. तो ये जो इंजरी जानना है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक सबक मिलेगा क्रिकेटर्स को भी. केयरफुल तो ऑब्वियसली अभी स्पोर्ट ही ऐसा है, हमें चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, है ना, एक्टिव मूवमेंट्स करनी पड़ती है. इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट इन माई केस. तो आई वुड से आई मीन केयरफुल आई वोंट से, बट आई वुड से अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रैक्टिस कंडीशंस ट्राई एंड है ना, जितनी अच्छी हो उतना बेहतर होगा. बट जुलाई के महीने में बम्बई में कुछ होता नहीं है, तो
शिवाजी पार्क हमारा मतलब बचपन से वही करते आ रहे थे, तो दैट वाज द बेस्ट प्लेस अवेलेबल। ट्राई एंड मेक श्योर द प्रैक्टिस कंडीशंस आर गुड, अगर आप फर्स्ट क्लास लेवल के प्लेयर हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ तो शायद पुरानी यादें आपकी आ गई होंगी वापस। हमेशा याद आता है मुझे, याद आता है जब भी गुजरते हैं यहाँ से। ज़िंदगी कितनी बदल गई वो हादसे के बाद, आपका सपना चूर चूर हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि 20 साल की उम्र में आप सोच रहे हैं कि आप इंडिया खेलेंगे, आप बहुत अच्छा फॉर्म में हैं, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि शायद ये लड़का इतना टैलेंटेड है कि इंडिया जाके खेलेगा। पहला इंसिडेंट के बाद एक्चुअली मैं रिकवर कर गया और 2 साल अच्छा भी खेला, बम्बई के लिए खेला, फिर से एक इंडिया ए की सीरीज़ में भी खेला इमर्जिंग टीम के लिए, बट वो 2 साल काफ़ी अच्छे गुजरे टू बी ऑनेस्ट। बॉम्बे दोनों साल रणजी चैम्पियन था, चंद्रकांत पंडित सर कोच थे उनके अंडर, वनडे चैम्पियंस भी थे, और आई मीन एक साल में वनडे का हाईएस्ट रन गेटर था इंडिया में, सेकंड हाईएस्ट। उसके अगले साल फोर डे में मैं नंबर 3 पे था ओवरऑल इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट इन 4 डे क्रिकेट। तो 2 साल काफ़ी अच्छे गुजरे, भले मेरे हाथ में मेटल प्लेट्स थी, स्क्रूज थे, बट मैं अच्छा कर रहा था, स्ट्रेंथ का इशू नहीं था, हाथ का शेप थोड़ा चेंज हो गया था लेकिन हाथ फंक्शन अच्छा कर रहा था, थोड़ा सा स्टिफनेस होता था बट नो स्ट्रेंथ इश्यूज और बैलेंस का कुछ इशू नहीं था रिस्ट में। बट जैसे ही 2004-05 सीज़न आया और तभी मैं अच्छे फॉर्म में था, फर्स्ट रणजी ट्रॉफी जाते वक्त मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा प्रैक्टिस करते वक्त कि थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है हाथ, बट स्टिल आई मैनेज टू गेट माई 4th फर्स्ट क्लास 100 इन दैट गेम अगेंस्ट रेलवेज। बट हाथ इतना ख़राब नहीं था लेकिन थोड़ा सा ऐसे मुझे लग रहा था कुछ अलग, और जब वहाँ से आया फिर विद इन से 8-10 डेज आई कम्प्लीटली लॉस्ट इट ड्यूरिंग दैट प्रैक्टिस इन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड गेम, और फिर वहीं से डाउनफॉल शुरू हो गया। आई मीन आई कुड नॉट होल्ड द बैट प्रॉपरली, जब भी बैट पे बॉल लगता था उस लेवल के बॉलर का तो मेरा बैट घूम जाता था, फिर आई मीन स्लीपलेस नाइट्स है ना, रात को भी मैं कभी उठ जाता था कि भाई कुछ ठीक है थोड़ा रेस्ट चाहिए, मुझे लगता था कि भाई मेटल है हाथ में, तो फिजियोज भी उतने उनको क्लिक नहीं हुआ कि भाई कुछ डैमेज हुआ रहेगा, वो बोलते थे भाई तू थोड़ा बैटिंग कम करा कर प्रैक्टिस में वगैरह, तो दैट वॉज द थिंग। एंड उस सीज़न में आई हैड मैनी स्लीपलेस नाइट्स, जब भी मतलब रात को कभी लगता था कि भाई चेक करता था ग्लव्स डाल के, बट इट नेवर रिकवर्ड उसके बाद। टर्मिनेटर जैसे वो फील कर रहे थे अपने आप को। बट यार कितना अनफॉर्चुनेट था ये इंसिडेंट कि आपने कब अपने होप्स खो दिए कि 2004 में होप्स खो दिए थे कि अब मैं नहीं खेल पाऊँगा क्योंकि ये इंजरी लगता है कभी हील नहीं हो पाएगी। 2004 बहुत मुश्किल समय था सच में, आई मीन मैंने थोड़े रन बनाए बम्बई के लिए, तभी भी बम्बई आई थिंक पंजाब के सामने वानखेड़े पे हम हार गए थे 100 रन के लीड लेके सेमीफाइनल में, बट ठीक ठाक मैंने मतलब मेरे एक्सपीरियंस पे जो मुझे मिला था 4-5 सीज़न खेल के उस पे मैं डिटर्मिनेशन दिखा रहा था और थोड़े बहुत रन बना चुका था, इंपॉर्टेंट दिल्ली गेम में रन बनाए थे, कर्नाटक गेम में आई कुड गेट सम है ना 70s, बट वो एक हमेशा लग रहा था मुझे कि नहीं कुछ सही नहीं है। इवन मैं देवधर ट्रॉफी भी खेला उस सीज़न, बट उसी सीज़न थोड़ा ऐसा लगने लग गया कि भाई ये अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे मुश्किल आ सकती है, और इन दी एंड वैसे ही हुआ क्योंकि उसके बाद सिचुएशन और ही ख़राब होती थी। बहुत ही काम आदमी है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, बात भी आप जैसे कर रहे हैं बहुत ही सॉफ्टली बात कर रहे हैं, तो मतलब ये जब इंसिडेंट होता है ऐसा कोई बड़ा झटका लगता है तो आदमी को हिल जाता है, जिससे अपसेट हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, आप क्या महसूस कर रहे थे तब? अब सच पूछो तो मैं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब मेरा हार्ट टूटा तभी मैं अगर मतलब मैं सोचता तो कि भाई ख़त्म हो गया कि मैं खेल पाऊँगा कि नहीं विथ मेटल एंड स्क्रूज इन साइड माई हैंड टॉप हैंड, बट तभी मैंने सोल्यूशन का सोचा और मिला भी। इस टाइम भी मैं वही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा, मे भी करेक्टिव सर्जरी करेंगे, प्लेट्स निकलवाएंगे, और मैंने वो पूरा ट्राई किया, बट यस आई मीन डिप्रेशन एक्चुअली आजकल पीपल नोटिस दैट आई डिड हैड इट, बिकॉज दिन रात हम प्रैक्टिस करते थे वो मैं कर नहीं पा रहा था, आई मीन नेट की 20 मिनट की बैटिंग भी मुझे ऐसा लगता था कि अरे ख़त्म हो जाए जल्दी,
सीजन के बीच में, और नेक्स्ट डे अगेन फिर चंदू सर बोलते थे कि भाई बैटिंग करना है, तो आई वाज लाइक यूजुअली मैं कीन रहता था, लेकिन उस सीज़न से मेरा वो कीननेस नीचे नीचे चला गया, क्योंकि आई न्यू कि आई वाज नॉट राइट इन माय लेफ्ट हैंड. तो यस, आई मीन आई वाज फीलिंग कि नहीं यार, कुछ तो सोल्यूशन आना चाहिए, नहीं तो ये ठीक नहीं. आपके मन में क्या सवाल उठ रहा था कि क्या करूँ, अब क्या होगा, या कुछ क्या सवाल आ रहे थे आपके जहन में? पूछो तो काफ़ी सवाल आ रहे थे. मैं मुंबई में एक सर्जरी और की, फिर मैंने एक बार फिर कमबैक ट्राई किया, तभी तो हाथ की सिचुएशन एकदम ख़राब थी, मतलब सिर्फ प्लेट रिमूवल हो गया और कुछ करेक्टिव सर्जरी नहीं हुआ, बहुत ख़राब था. फिर मैंने, मुझे अभी भी याद है, मैंने रेगे सर को फ़ोन करके बोला था, मिलिंद रेगे सर को, कि मुझे कंसीडर मत करिए. सिलेक्टर थे वो? हाँ, वो चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी थे, कि मुझे कंसीडर मत करिए, आई एम नॉट अप टू द मार्क, मेरा हाथ ठीक नहीं काम कर रहा. उन्होंने कहा कोई बात नहीं विनायक, आप पूरा ट्रीटमेंट ले लो, जब भी आप बोलोगे वील थिंक ऑफ यू. और वो पूरा सीज़न मैं एक रणजी ट्रॉफी दिल्ली के खिलाफ खेला, 2005-06 सीज़न, इमिजिएटली आफ्टर 2004-05-06 सीज़न में एक रणजी ट्रॉफी खेला एट कोटला, और फिर मैंने रिफ्यूज़ कर दिया खेलना. तो वो पूरा सीज़न मैं होल्ड पे था. फिर बम्बई के फिजियो थे विपुल चावड़ा, उन्होंने मुझे जॉन ग्लॉस्टर से इंट्रोड्यूस कराया. जॉन ग्लॉस्टर वॉज ए इंडियन फिजियो, एक बार टीम इंडिया के लिए फिजियो बहुत बड़े रह चुके और काफ़ी नामचीन हैं. तो ई वॉज वेरी काइंड, आई मीन इमिजिएटली वो जैसे ही बॉम्बे में थे उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, मैं उनको मिला दो दफ़े. फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपका हाथ एकदम ही ख़राब कंडीशन में है एक बैट्समैन के लिए, राइट हैंडर के लिए, बट अगर आपको चाहिए तो आप एक एक्सपर्ट सर्जन है ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, जिन्होंने वॉन और मुरलीधरन को भी असिस्ट किया है, सर्जरीज किए उनके फिंगर्स और शोल्डर्स पे, आप दिखा सकते हो. तो फिर जॉन की हेल्प के थ्रू मैं अगेन उसी 2006 जनवरी में मैं आई थिंक गया मेलबर्न. जॉन ने अपॉइंटमेंट अरेंज कर दी, सर्जन ऑल्सो एग्रीड, और पहले उन्होंने थोड़े टेस्ट किए कि भाई कोई नर्व डैमेज नहीं है, कि भाई मसल सप्लाई, मसल को ब्लड सप्लाई है, तो पूरा चेक करके MRIs किए वहाँ पे भी, और उन्होंने फिर एक करेक्टिव सर्जरी की. ही डिड अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि मेरा जो हाथ था वो मतलब यूजफुली नहीं था बैटिंग के लिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आई कुड यू नो प्ले आफ्टर दैट. विनायक, ये सब हो गया आपकी ज़िंदगी में, आप एक बहुत बड़े क्रिकेटर होते थे, इंडिया अंडर 19 खेला था विनायक ने, 500 रन करीब मारे थे इंडिया अंडर 19 में, सामने इंग्लैंड थी साइड, 500 रन, एक डबल 100, एक 100, ये था 2000 में, तो काफ़ी प्रॉमिसिंग यंगस्टर थे. और एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर का इस तरह पे ये स्टेज पे आना और पूरा ही दुनिया पलट जाना, पूरी ही ऑफ ट्रैक हो जाना, उनका करियर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है. तो विनायक बताइए कि तो फिर आपने अपने आप को खींचा कैसे वापस वो सिचुएशन से कि सब कर लिया मैंने मगर कुछ नहीं हो पा रहा है? काफ़ी मुश्किल समय था टू बी ऑनेस्ट, बट इन द एंड फैमिली इज फैमिली. तो मेरी मदर, पिताजी, भाई और मुझे सिस्टर्स भी है चार, तो दे आर ऑल बिहाइंड मी कि अच्छा, भाई आखिर तुझे खेलना ही है, इफ यू आर रेडी टू प्ले यू गो एंड प्ले, जो भी होता है देख लो. उसी भी दौरान मैं मेरी जो भी वाइफ है प्राजक्ता, उससे भी मिला था, क्योंकि एक्चुअली दैट वाज अ पीरियड आई मेट हर एंड वी स्टार्टेड है ना, हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे. तो शी वाज अ बिग मोरल बूस्टर. तभी आई वाज गोइंग वेरी लो, मैं काफ़ी लो हो गया था, इट वाज इफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ तो हो ही रही थी, बट फिजिकल हेल्थ भी, बिकॉज आई वाज नॉट यूज्ड टू स्टेइंग एट होम, और काफ़ी टाइम घर पे बिताना पड़ता था, तो काफ़ी इरिटेटिंग था. मैंने जैसे बताया आपको कि ये शारदा आश्रम से खेल चुके हैं जहाँ पर तेंदुलकर, कामली खेले थे, तो वहाँ से शुरुआत करिए आप अपनी, बताइए कि कैसी थी जर्नी आपकी एज ए क्रिकेटर. एज ए क्रिकेटर हैप्पी डेज, बेस्ट डेज टू बी ऑनेस्ट. हम गेम सिर्फ एंजॉय कर रहे थे, और लकीली आचरेकर सर जैसे कोच, ही वॉज एक्टिव फॉर दैट अर्ली पीरियड ऑफ माई करियर, और ही वॉज अ ट्रेमेंडस पर्सन. उनको लगा कि मेरे में कुछ टैलेंट है, और ही इमीजिएटली ट्रैक्टेड डाउन कि इसमें कुछ तो है, ही हैड दैट आई टू बी ऑनेस्ट. और आई स्टिल रिमेंबर शारदाश्रम डेज वो द बेस्ट डेज. उसमें एक दिन में
छुट्टी का समय था, दो बार प्रैक्टिस सर बुलाते थे, सुबह आते थे हम 7 को, फिर 11 बजे घर जाते थे और फिर दोपहर को आते थे 3:30 बजे। और उस दिन मैं सुबह आया और दोपहर को नहीं आया, और सर ने जस्ट पूछा था कि भाई रहता कहाँ पे है, और सेम इवनिंग 5:30-6 बजे वो मेरे घर के नीचे उनकी बाइक लगा रहे थे, मुझे ढूंढते हुए आए थे कि ये आया क्यों नहीं बंदा। अच्छा, बात बताइए, जब आप बॉम्बे तो आगे एज ग्रुप क्रिकेट खेले, बट इंडिया अंडर 19 खेलने के बाद वो बड़ा ही, आई थिंक दैट वाज द मेजर टर्न अराउंड फॉर यू इन योर करियर, कि लोग देखने लगे यार, क्योंकि एज ग्रुप क्रिकेट से ही, अंडर 19 क्रिकेट से ही लोग देखने लगते हैं कि यार अगर ये परफॉर्म कर रहा है तो ये स्पेशल प्लेयर है। और आपके सामने मॉन्टी पनेसर, क्रिस ट्रेमलेट करके फास्ट बॉलर, इंग्लैंड के सामने इंग्लैंड के प्लेयर्स, तो इंग्लैंड अंडर 19 टीम इंडिया टूर करी थी, वो कितना फ़र्क पड़ गया वो परफॉर्मेंस के बाद? दिलीप सर कर टू बी ऑनेस्ट, ही बैक मी थ्रू आउट माई करियर एंड देन आई टुक इट फॉरवर्ड MCA को खेलते खेलते खेलते, एंड देन अगेन आई वॉज ऑल दैट प्लेटफॉर्म हेल्प मी गेट इन टू दैट इंडिया अंडर 19 साइड, जैसे आप बोल रहे हो 2000 में। और आई वॉज प्रिपेयर्ड, जब उसके पहले मैं इंग्लैंड जाके आया था विथ स्टार CC कैलाश घटानी सर के टूर से, तो आई वॉज प्रिपेयर टू फेस है ना फॉरन टीम वो आर ऑब्वियसली फिजिकली स्ट्रॉगर देन अस, एंड देवर Ian Bell कैप्टन था उस Ian Bell उस टीम का, एंड ही वॉज द हाइएस्ट रन गेटर फॉर द इंग्लिश टीम टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, और इंडिया का कैप्टन अजय रात्रा थे, और काफ़ी अच्छी सीरीज थी टू बी ऑनेस्ट। हमें वानखेड़े पे भी उन्होंने चैलेंज किया था पहले टेस्ट में, बट वी मेड अ कम बैक, उसमें मैंने सेकेंड इनिंग में 90 किया था, मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन था, वी कुड गेट दैम ऑल आउट लास्ट डे पे। चेन्नई में दे रियली ट्रबल्ड अस, वो 100 जो किया था वो फॉलो ऑन के बाद किया था। अच्छा, हाँ वो टिपिकल, अच्छा एक फाइट बैक वाला टेस्ट मैच था वो, क्योंकि वो अच्छी तरह से चैलेंज कर रहे थे, क्रिस ट्रेमलेट वॉज देयर, मॉन्टी वॉज देयर, तो ठीक ठाक अटैक था उनका, और वी वर चैलेंज टू बी ऑनेस्ट, वी वर स्ट्रगलिंग, एंड देन गंभीर एंड माई सेल्फ बोथ गॉट 100। तो गंभीर के साथ आप ओपनर थे? Yes. अच्छा, यू यूज टू ओपन विद गंभीर, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये कैसे थे गंभीर तब, क्या इक्वेशन बताइए, क्या था वो गंभीर? गंभीर एक्चुअली द नेम सूट्स हिम, ही वाज बड़े ही गंभीर थे, फोकस्ड है ना, एंड ऑब्वियसली एवरीवन नोज, सभी जानते हैं कि गौतम एक है ना एक इंटेंस कैरेक्टर है, और जस्ट माय कलीग मेरा और ओपनिंग पार्टनर, बट वेरी इंटेंस, मैं उतना इंटेंस, मैं आई वाज लिटिल काम बट आई वाज आल्सो फोकस्ड, बट उतना इंटेंस नहीं था जितना गौतम, यू वॉज काइंड ऑफ एंग्री यंग मैन, स्टिल उनको बोला जाता है, वो भी एक काफ़ी उभरता खिलाड़ी था, दिल्ली को खेल चुका था, मैं भी बॉम्बे को खेल चुका था तब तक, 2 first class games, 3 first class, बट यस आई मीन ज़्यादा कुछ बात नहीं होती थी एक्चुअली, वी वर लाइक मोर एक्शन दैन टॉक, वी वर कॉम्पिटिटर्स टू बी ऑनेस्ट, बॉम्बे दिल्ली ऑब्वियसली वी आर कॉम्पिटिटर्स, बट उस टीम में इकट्ठे खेल रहे थे इंडिया अंडर 19 की, तो मज़ा आ रहा था ओवरऑल, हम दोनों ने अच्छा किया, 392 रन की पार्टनरशिप हुई। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएट किया, बॉम्बे रणजी ट्रॉफी खेलना, मतलब कभी कभार मौका मिला हुआ सचिन के साथ खेलने का, उनके साथ फिर कामली थे तब, तो वो कैसा एक्सपीरियंस बताइए? आई मीन अमेजिंग, आई मीन विनोद के साथ तो मैं काफ़ी खेला, आई मीन काफ़ी बैटिंग भी किया वनडे में और रणजी ट्रॉफी गेम्स में, बट सचिन के साथ ईरानी ट्रॉफी में एक इनिंग मैंने बैटिंग की थी, वी हैड अ पार्टनरशिप ऑफ 70 ऑड रन्स अगेंस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया लेड बाय सौरव गांगुली, काफ़ी अच्छा मैच था, वी वर बीटन बाय रेस्ट ऑफ इंडिया, बट इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम इन 2003-04 सीजन, स्टार्ट ऑफ द 3-4 सीजन, काफ़ी पॉजिटिव बंदा है जब वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहता है एज एन पार्टनर, एंड हरभजन और कुमले डाल रहे थे, एंड आई वॉज फेसिंग दम फर्स्ट टाइम, बट यू आर स्टिल टेलिंग मी कि व्हेनेवर आपको लगता है कि भाई मारना है तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रहे थे चेन्नई में, थोड़ा बॉल ब्रेक हो रहा था और दोनों काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी थे। कुमले को बैटिंग करके कैसा लगता है, मतलब क्या कुमले का क्या रहता था? आई मीन वो एक फास्ट बॉलर की तरह है, वेरी एक्यूरेट, और थोड़ा सा स्पिन हो रहा था बॉल तो वो एकदम डेंजरस बनते थे, और वो उन्होंने ही आउट किया मुझे 30s में, आई थिंक 37 इन दैट पार्टनरशिप कॉट एट गली बाय सेवाग, तो एक मतलब सॉलिड बॉल डाल दिया उन्होंने। कि फ्रेंड्स ये थे विनायक माने, बट विनायक माने को छोड़ेंगे नहीं हम लोग, जल्दी
क्योंकि ये थोड़ा ये कोच है तो हम इनसे थोड़ी सी कोचिंग ले लेंगे फ्रेंड्स आप लोग के लिए। बट उसके पहले मैं अभी तो फिलहाल ये वीडियो के लिए अलविदा कहता हूँ आपसे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज आप सबके लिए लाता रहूँगा। अगले वीडियो में देखेंगे आप विनायक माने थोड़ी सी कोचिंग देंगे, फ्री की है यहाँ पर, ले लीजिए जो पूरा वीडियो देखिए अगला। गुड बाय।